चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। मरियम नवाज रेफरेंस फाइल होने पर ट्रायल का सामना करेंगी। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत हुई। मरियम नवाज अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुई। जज अमीर मोहम्मद खान ने केस की समाअत की। हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि नैब ने चौधरी शुगर मिल्स का अभी तक रेफरेंस दायर नहीं किया। अब्दुल अलीम खान और सप्तेन खान को भी इस्तिस्ना दिया गया है। नवाज शरीफ को बैरूनी इलाज और मरियम नवाज को रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। दौरान समाज जज ने नए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि चौधरी शुगर मिल केस में रेफरेंस की क्या पोजीशन है। वकील नैब ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही मुकम्मल होगी रेफरेंस दायर कर देंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। मरियम नवाज रेफरेंस फाइल होने के बाद ट्रायल का सामना करेंगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रेफरेंस जल्द दायर करने का हुक्म देते हुए समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।